मधु हूँ जोई रही छू हम थोड़ा दिवस थी तेने रोजे माथू दुखे छे चाल ने अपने एक बार चेकअप करावी लीए ना ना बे कलाक लागी जाए एमां अहींया घरना केटला काम अटकी पड़े तो हूँ एक काम करूँ ब्लड टेस्ट माटे घरे ज बोलावी लऊं ना शू काम एक्स्ट्रा पैसा आपवा भले मारे आपवा छे ने परंतु समयसर जो योग्य पगला ना लईए ने तो पछी पाछळथी मोटो पछतावो थाय मधु अने राकेश पोताना परिवार साथे एक सामान्य घर में रहता राकेशनी एक सामान्य पगारनी नौकरी हती परंतु भणेलो गणेलो होवाथी राकेश स्वास्थ्यनी बाबते खूब ज काळजी राखतो मधु ने थोड़ा दिवस थी माथू दुखतू जोई राकेशे एना ब्लड टेस्ट करावानो निर्णय लीधो बीजा दिवसे ब्लड टेस्ट अने बीपी माप्यू मधु जोयू मैं कह्यू हतु ने कोईक तो प्रॉब्लम हशे ज नहीं तो आटला बधा दिवसों सुधी तकलीफ ना रहे तारू बीपी थोड़ू हाई छे अने शुगर स्टार्टिंग स्टेज में छे डॉक्टरे काळजी राखवानुं कह्युं छे योग्य काळजी राखीश तो बीमारी ने आवता पहला ज रोकी शकीश हे राम आवी बीमारी में तो केवी मुसीबत आ उमर में तो लोग केवी मौशोक करता होय अने अहींया तेल वालू नहीं ने शुगर नहीं उदास मने मधुए कह्युं बिचारीनी हजी उमर ज शुं छे आ उमरे ज आवी बीमारी जो घर करी लेशे तो आखी जिंदगी केम चालशे मधुनी सासुमाए कह्युं चिंता में तो राकेश पण आवी गयो कारण के हजू बन्नेनी उमर 40 आसपास हती परंतु एना करता मोटी चिंता एने ए हती के हमणा हमणा जेना ऑफिसना दोस्त राजेशनी वाइफ पोतानी आवी ज लापरवाहीना कारणे जीव गुमावी बेसी हती अने अत्यारे राजेशनी शुं हालत थई रही छे ए मनमां विचारी ज रह्यो हतो त्या मनमां दृढ़ निश्चय करी लीधो अने मधुने कह्युं मधु भले गम्मे ते थाय परंतु आज थी एक महीनो तारे हूँ कहूँ एम ज करवानो छे अने जो तू मने साचो प्रेम करती होय तो एमां कोई पण बांधछोड़ नहीं चाले मधुए कह्युं ठीक छे हूँ करीश राकेशे एक कड़क शेड्यूल बनाव्युं सवारे उठीने वॉक पर जवानुं खावा पीवामां शुं खावुं शुं न खावुं क्यारे खावुं क्यारे न खावुं वगैरे तमाम सवारे साथे बन्ने जणा वॉक पर निकळ्या त्यारे ज मधुनो चेहरो धीमे धीमे खिलवा लाग्यो नहींतर तो मधु घरना काममां एटली व्यस्त होय के पोताना माटे समय निकळतो ज नहीं राजेश पण मोटा भागे फोनमां व्यस्त रहेतो एने पण एक नवुं रूटीन मळ्युं एने पण बॉडीमां पॉजिटिव चेन्ज जोवा मळ्या वॉक परथी आवीने नास्तामां पण हेल्धी वस्तुओ लेवानी जेम जेम डॉक्टरे कह्युं हतुं तेम तेम दरेक वस्तुनुं पालन करवा लाग्या सासुमां पण खुश हता कि चलो बीमारी समयसर पकड़मां आवी गई जेथी इलाज करी शकाय एक महीनो कम्प्लीट आवी ज रीते रूटीन चाल्युं हाँ क्यारेक क्यारेक मधुने मन थतुं बहारनुं खावानुं पण हवे ए पण पोताना हेल्थने लईने सीरियस थई गई अने पतिए आपेला रूटीनने ज फॉलो करवा लागी नेक्स्ट मंथ फरीथी रिपोर्ट थया डॉक्टरे मधुनी खूब प्रशंसा करी कारण के एनी बीमारीओ आजे कंट्रोलमां हती अने कह्युं हवे तमे थोड़ू थोड़ू तमारी रीते घरे बनावीने खाई शको छो परंतु परहेजी राखो तो वधु सारू मधुए राकेशने थैंक्स कह्युं के जेणे एक महिनानुं कड़क रूटीन बनाव्युं पोताने कोई ज बीमारी ना होवा छतां मधुनी साथे साथे ज एना रूटीन प्रमाणे चाल्यो आने ज तो कहेवाय संबंध निभाव्यो घरना नाना मोटा कामोमां आजे गृहिणी एटली व्यस्त थई जती होय छे કે પોતાના સ્વાસ્થ્યને ઇગ્નોર કરે છે જે સારું ના કહેવાય કારણ કે ગૃહિણી એક ઘરનો પાયો હોય છે જેના પર પરિવાર નામની ઇમારત ટકી છે તમારો આ વિડીયો વિશે શું કહેવું છે નીચે કમેન્ટમાં લખજો જરૂર અને મિત્રો જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો શેર કરજો વધુમાં વધુ લોકો સાથે અને આવા જ બીજા પ્રેરણાદાયક વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ધ ગુજ્જુ મોટિવેશન નામની અમારી યુટ્યુબ ચેનલને અને ફેસબુક પર ફોલો કરો અમારા ધ ગુજ્જુ ઇન હિન્દી મોટિવેશન નામના પેજને ધન્યવાદ